नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन ₹59.29 एकत्र किया गया हो तो समूह में कितने छात्र थे। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं, माना कि समूह में एक्स छात्र थे। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र से कितने एकत्र किए गए हों, तब प्रत्येक छात्र से एकत्र किए गए पैसे बराबर x, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे, यानी x छात्र थे और x पैसे लिए गए। तो कुल कितना धन हुआ, कुल धन बराबर x छात्र और x पैसे, इतने पैसे हो गया। अब हमें आंसर दिया है रुपयों में, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रुपयों में, x बटे x भाग 100 कर देंगे और लिख देंगे रुपये। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग क्या आया, एक्स गुड़े एक्स बटे 100 रुपये आया। उसने कहा है कि कितने एकत्र हुए, 59.29, इन दोनों को बराबर कर देंगे। एक्स गुड़ा एक्स बटे 100 बराबर में आ जाएगा 59.29, गुड़ा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 59.29 गुड़ा 100। अब 100 है और दो अंक बाद दशमलव है तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 59.29। स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट का 59.29। अब इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे 59.29 के, 7 से करके देखते हैं, 7 8 56, 7 4 28, 7 7 49। फिर 7 से चला जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7। अब 121 है तो 11 से जाएगा और 11 1 11, तो x बराबर किया हमने तो क्या आ गया, 7 × 7 × 11 × 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 11 यानी x बराबर 77। तो उस समूह में कितने छात्र थे, तो उस समूह में छात्रों की संख्या कितनी आगे निकल के 77 यानी कि 77। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।